इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से, जहां पर जयपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कार सवार 4 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। हादसे में एक आरोपी की भी मौत हो गई है। दिल्ली से गुजरात जा रही थी कार और गुजरात पुलिस के जवान चारों पुलिसकर्मी भाबरू थाना इलाके के निंझर मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर के फॉर्चुनर कार डिवाइडर पर पेड़ से टकराने से ये हादसा हुआ और दिल्ली से गुजरात जा रही थी ये कार। बहुत ही दुखद ये घटना। गुजरात पुलिस के जवान इस कार में बैठे हुए थे। आप इसकी तस्वीर देखिए, ये फॉर्चुनर कार जो कि जिसका बैलेंस बिगड़ गया और पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद ये दुखद हादसा हुआ। जयपुर में कार सवार 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, काफी भयानक ये हादसा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी के भी बच पाने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, डिसबैलेंस हो गई, बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद ये दुखद हादसा हुआ। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भंवर, आखिर गाड़ी का बैलेंस कैसे बिगड़ा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आई है उसके मुताबिक गुजरात पुलिस दिल्ली से किसी आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी करीबन 4 से 5 दिन पहले, और रात को उन्होंने उसको डिटेन कर लिया था और लेकर साथ में आ रहे थे। उसी दौरान बताया जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित हो गई और देर रात को सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 पुलिसकर्मी और जो मुलजिम साथ में लेकर आया गया था उसकी मौत हो गई है। फिलहाल स्थानीय थाना पुलिस मौके पर है और लगाया जा रहा है कि गुजरात के किस थाने से लोग यहाँ पर आए थे और कौन मुलजिम था इसको लेकर ये आ रहे थे, क्या किसी बड़े केस में ये इन्वॉल्व था या कोई साजिश तो नहीं रही है। लेकिन जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि गाड़ी पहले डिवाइडर पर चढ़ी, उसके बाद पेड़ से टकराई और फिर टकराने के बाद पलटती हुई रोड के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां पर हादसा हुआ। बिल्कुल गाड़ी जो है उसके परखच उड़ गए हैं और जो 5 लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका इस जानकारी के लिए।